so good evening guys am i audible good evening <clears throat> to वैसे तो एफ आर एम पार्ट वन के एग्जाम आज और कल भी है बट uh, मेरे ख्याल से नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम दे चुके हैं तो सिंस आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे तो मैंने सोचा कि एक सेशन पहले ही ले लूं ताकि आपको गाइड कर सकूं कि आगे क्या करना चाहिए बट बिफोर गिविंग माई एडवाइस आई वुड लाइक टू आस्क कि आप लोगों के मन में क्या प्लान है ठीक है एफ आर एम पार्ट वन का जो एग्जाम आपका कंप्लीट हुआ है उसके बाद आपका एक प्लान होगा कि मुझे अब आगे में एफ आर एम पार्ट टू स्टार्ट करना है या अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है या मुझे कोई इंटर्नशिप करनी है मुझे कोई जॉब स्टार्ट करनी है या मुझे सी एफ ए करना है जो भी आपके प्लान हैं आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन कि क्या प्लान है राइट एग्जाम आई होप सबका अच्छा ही गया होगा ऑब्वियसली um, अप्रेंड कहना डिफिकल्ट है कि पास होंगे कि नहीं बट एक क्लैरिटी आ जाती है एग्जाम देके कि हाँ क्वेश्चन हो रहे थे एग्जाम में एंड देर इज अबिलिटी कि पास हो जाएंगे तो प्लीज गिव मी योर फ्रेम ऑफ माइंड फर्स्ट कि आपके मन में क्या है कि आगे क्या करना चाहिए अभी एफ का एग्जाम ओवर हुआ है थोड़ा सा रिलैक्स भी कर रहे हैं बट रिलैक्स uh, के साथ साथ आगे का स्ट्रैटेजी भी बनाना है पेपर कैसा था यू आर प्रिपेरिंग फॉर एफ आर एम पेपर थ्योरेटिकल ज्यादा था बट कोई ऐसा नहीं बोला कि डिफिकल्ट था पेपर वॉज नॉर्मल डूएबल राइट नमन तो आई एम वेटिंग फॉर यू रिप्लाईज की क्या स्ट्रैटेजी आपके मन में है कि आगे क्या करना चाहिए वट डू यू थिंक अगर आपको बोलना है तो आप रेज हेंड कर दीजिए मैं आपको बोलने का ही मौका दे दूंगा बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर फ्रेम ऑफ माइंड बिफोर गिविंग माई एडवाइस कि यस आप सही सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो वट डू थिंक क्या प्लान है आपके संवनी इज के एफ आर एम पार्ट टू स्टार्ट करना है ओके okay? और क्या प्लान है रिप्लाई कीजिए प्लीज राइट right, ये कोई क्लास थोड़ना चल रही है आपको रिप्लाई करना है बिकॉज इंट्रैक्शन कर रहे हैं अपने कि वट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी अहेड इंटर्नशिप करना है साथ में पार्ट टू के लिए प्रेपरेशन करना है स्किल्स पे काम करना है अलोंग विद जॉब स्किल बिल्डिंग एंड इंटर्नशिप और जॉब ओके एक्सीलेंट इंटर्नशिप करना है साथ में पार्ट टू के लिए प्रेपरेशन करना है ओके okay. तो आप में से मेरे ख्याल से मेजोरिटी लोग वैसे होंगे जो जॉब में नहीं है ऑलरेडी राइट right? या जॉब से हैप्पी नहीं है बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हम लोग एफ कर रहे हैं बिकॉज हमें एक अच्छा स्विच चाहिए तो मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आपका जो जॉब है वो मेन रिस्क मैनेजमेंट में नहीं है इसीलिए आप एफआरएम कर रहे हो एंड इसीलिए आज इस सेशन में आए हो तो मेरे हिसाब से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो गिवन दैट आपका एफ के एग्जाम्स ओवर हो गए हैं एक जनरल एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा प्लीज ये मत समझना कि मैं ये इंटरेस्ट में दे रहा हूं मैं जनरल एडवाइस दे रहा हूं गिवन दैट आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ सिक्स नाउ इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके कि कैसे टाइम को बेस्ट यूटिलाइज किया जाता है मेरे ख्याल से आपके पास चार ऑप्शन है एफ एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद मतलब पार्ट टू देने के बाद चार ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन बिट नेचुरल है कि आपको एफ आर एम पार्ट टू की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए बट इस ऑप्शन को लेके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि यार अगर एग्जाम पास नहीं हुआ और मैंने पार्ट टू की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी तो क्या मुझे दोनों पार्ट साथ में देने पड़ेंगे राइट या मैं खाली पार्ट वन दूंगा तो अगर खाली पार्ट वन दूंगा तो पार्ट टू का जो प्रेपरेशन किया है उसका क्या होगा तो एक बिट नेचुरल क्वेश्चन तो सबके मन में है कि क्या पार्ट टू की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए पार्ट टू डिफिकल्ट है या हार्ड है एंड सेकेंडली uh, अगर इन केस किसी भी कारण से मैं पास नहीं हो पाता हूं तो मेरे लिए बेस्ट एडवाइस बाद में क्या रहेगा मैं कैसे ट्रांसिट कर पाऊंगा येस और नो ये सबके मन में चल रहा होगा ठीक है उसके अलावा स्किल बिल्डिंग के ऊपर चल रहा है नाउ स्किल बिल्डिंग के ऊपर आई केन गिव यू समरियाज एंड आई केन टेल यू अबाउट सम कोर्सेज जो आप कर सकते हो स्किल बिल्डिंग के लिए बट अगेन मैं बोल रहा हूं कि ऐसा मत सोचना कि आई एम मार्केटिंग समथिंग अगर आपको वैसा लगता है यू डोंट हैव फेथ ऑन मी तो आपको ये सेशन नहीं करना चाहिए मैं आपको बेस्ट इंटरेस्ट में विद लॉजिक बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो आपको खुद सोचना है आपके लिए क्या सुटेबल है मेरे हिसाब से चार ऑप्शन है आपके पास आप कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेस कर सकते हो आप वर्चुअल इंटर्नशिप कर सकते हो आप कुछ एड ऑन सर्टिफिकेशन कर सकते हो या आप एफ पार्ट टू स्टार्ट कर सकते हो राइट right? एंड ये चारों के चारों ऑप्शंस यूलन पे अवेलेबल है तो उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है यूलन के साथ आप एफ आर एम पार्ट वन किए हो उसके बाद ये चारों ऑप्शन साथ में ही मेरी तरफ से मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ स्किल बेस्ड कोर्सेज में मेरे ख्याल से दो सबसे बड़े स्किल हैं जो एक एफ आर एम पार्टिसिपेंट के पास होने चाहिए कोई बता सकता है कौन कौन से स्किल्स है वो दो कौन से मेजर स्किल है जो एक एफ आर एम कैंडिडेट के पास होने ही चाहिए वॉट डू थिंक आप लोगों ने इतना सारा लिंक इन पे जॉब्स कभी ना कभी सर्च किया होगा इतने सारे लोगों से डिस्कशन किया होगा राइट दो स्किल्स कौन कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इसका आंसर देता हूं मेरे हिसाब से एक तो मॉडलिंग स्किल्स है एंड सेकेंडली सॉफ्टवेयर स्किल्स है मॉडलिंग स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right. सॉफ्टवेयर में आपका क्या आ गया आपका एक्सेल आ गया आपका पाइथन आ गया और मॉडलिंग में जनरली रिस्क वालों के लिए क्वांटिटेटिव मॉडलिंग है राइट right. नो no डाउट जो लोग सी एफ ए वगैरा कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल मॉडलिंग सुनने में आता है बट फाइनेंशियल मॉडलिंग ओके इज अ पार्ट ऑफ मॉडलिंग बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं क्वान्टिटेटिव और रिस्क मॉडलिंग की बात कर रहा हूँ राइट right? ये दो की एरियाज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल साइड पे एंड अब ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं कुछ मार्केटिंग कर रहा हूँ बिकॉज एक्सेल और पाइथन का कोर्स तो मैंने आपको प्रोवाइड किया ही हुआ है तो कहा मार्केटिंग की बात आती है मैं आपको गुड फेथ में बता रहा हूं कि ये दो स्किल आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं वन इज द मॉडलिंग स्किल्स एंड वन इज द सॉफ्टवेयर स्किल्स नाउ सॉफ्टवेयर स्किल्स में आप सबको एक्सेल और पाइथन का एक्सेस प्रोवाइड किया गया है तो आपको वो एक्सेल और पाइथन करना ही चाहिए बट एक्सेल में ना एक अपडेट है तो वो अपडेट के बारे में बता रहा हूं अभी उसका डिस्कशन करूंगा करूं, तो कहीं इंटर्नशिप कही करनी चाहिए देखो आपका जो सीवी है ना अभी मैंने पीछे में एक जॉब के लिए प्रोफाइल्स मांगे थे आप सबको मैसेज गया होगा ठीक है बट कुछ प्रोफाइल्स ऐसे आए कुछ सीवी ऐसे आए कि देख के पता लगता है कि उनको जॉब नहीं मिलने वाली उनको कॉल भी नहीं आने वाला मतलब आप सीवी में लिख रहे हो कि मेरे को बास्केटबॉल में ये मिला था ठीक है मेरे को चेस चैंपियनशिप में ये मिला था अरे एम्प्लॉयर को उससे मतलब नहीं है आपका जो आप फाइनेंस पढ़ के आयो जो आप रिस्क पढ़ के आयो उसके ओरियंटेड आपके क्या स्किल्स हैं आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स क्या है वो सब मैंशन ही नहीं है आप मैंशन कर रहे हो मेरा प्लस टू में इसमें इतना नंबर था मेरा प्लस वन में इतना नंबर था ये सब का क्या मतलब है तो एक बेसिक एक्यूमेन की कमी है ठीक है सीवी बनाते वक्त मैं हार्श हो रहा हूं मे भी बट मेरे लिए हार्श होना जरूरी है सेकेंडली आपके पास कुछ स्किल्स ही नहीं है शो करने के लिए तो अगर आप वो स्किल शो नहीं करोगे तो एम्प्लॉयर आपको चूज क्यों करेगा बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड ये जो पूरा इंडस्ट्री है फाइनेंस का दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री आप कंसल्टिंग में जॉब ढूंढना चाह रहे हो आप किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब ढूंढना चाह रहे हो तो वो ऐसे किसी को भी चूज नहीं करेंगे उनके जो लोअर प्रोफाइल्स होते हैं ना मतलब जो बहुत हायर लेवल के प्रोफाइल्स नहीं है ठीक तो कि से को बना रहे हो, आपने क्या -क्या नहीं कर रहे हो राइट right? तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल जो है ना स्किल बोल लो या सीवी में पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए इंटर्नशिप वगैरह या प्रोजेक्ट्स का मेंशन जो लोग नहीं करते हैं आप एफ आर एम पढ़ के आए में ही मैंने कितना कुछ पढ़ाया है और प्रैक्टिकली तो उसको दिखाने में लगा दिया सिम्यूलेशन प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है वार प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है रिग्रेशन प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है सारा एक्सेल शीट शेयर किया हुआ है तो उसको सीवी में मेंशन क्यों नहीं करते बट मेंशन लोग इसलिए नहीं करते बिकॉज वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है उस पर काम ही नहीं किया तो आपको कोई ना कोई इंटर्नशिप उस केस में करना चाहिए आपको बाहर कहीं पे इंटर्नशिप मिलती है तो बेस्ट है बट प्रॉब्लम यही है कि जो रिस्क वाला साइड है ना वहां इंटर्नशिप कम है जॉब है सीधा राइट और जॉब पार्ट वन के बाद इजिली मिलती नहीं बट एक इंटर्नशिप का ऑप्शन होना ही चाहिए और सीवी में आपको इंटर्नशिप मेंशन करना ही चाहिए मेरे हिसाब से तीसरा है कोई एड ऑन सर्टिफिकेशन मैं एफआरएम कर रहा हूं ठीक है मुझे मानना है कि फाइनेंस में सब कुछ करना है आप सीएफए कर सकते हो मुझे रिस्क साइड में और कुछ करना है उसके लिए आप क्या एड ऑन सर्टिफिकेशन ले सकते हो उसका डिस्कशन भी मैं कर रहा हूँ राइट बट मैं सारी चीजें एज फैक्ट रख रहा हूँ मेरा कुछ भी यहाँ पे बेचने का मेंटेलिटी नहीं है मैं पहले से आपको बता रहा हूँ एज फैक्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो आपको जो करना आप है आप करिए और साथ ही साथ आपको एफ पार्ट टू कोर्स तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए एफ पार्ट टू स्टार्ट इसलिए कर देना चाहिए बिकॉज थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो जितना पहले स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है

राइट एफ आर एम में पार्ट टू में आप क्रेडिट रिस्क पढ़ते हो बट दर में जो है ना, वो पे, पे बनते है, उसका स्किल कहीं पर भी नहीं है अगर वो स्किल आप लेके जाते हो एक बारी जाके लिंक पे सर्च कर लेना क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग जॉब्स आपको 2000 थाउजेंड सर्चिज मिलेंगी वहां पर राइट right. इतना ज्यादा यहाँ पर यू कैन से गैप है कि डिमांड है बिकॉज क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग में बहुत सारी चीजें हैं बट सप्लाई है ही नहीं इनफैक्ट क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग में क्या क्या है अगर मैं डिस्कशन करूंगा आपको स्कोर कार्ड बनाने होते हैं एज ए बैंक आप एप्लीकेशन स्कोर कार्ड बनाते हो एक पर्सन को आपको लोन देना है कि नहीं देना है उसके लोन को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है 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 वो तो आप स्कोर 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 कार्ड्स के बेसिस पे डिसाइड करते हो आपका सिबिल स्कोर निकलता है, फाइको स्कोर निकलता फाइको तो फाइको तो एक कंपनी है वो तो स्कोर कार्ड बनाती है तो फाइको भी तो क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग के लिए हायर करता है किसको हायर करेगा जिसको वो क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग आती है राइट right? उसके अलावा बाजल रेगुलेशन है ठीक है आप लोगों ने बाजल रेगुलेशन पढ़ा नहीं है बट आपने सुना होगा कि हर एक बैंक को कुछ रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ता है एंड कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क रिस्क तो क्रेडिट के लिए भी बैंक्स को कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा एज पर द ठीक है उसके अलावा एक बहुत ही हॉट एरिया है आई एफ बैंक्स जो भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं उस लोन्स पे बैंक को पता होता है कि नहीं इतने परसेंट कस्टमर तो डिफॉल्ट करेंगे करेंगे एंड अगर इतने परसेंट कस्टमर डिफॉल्ट करेंगे तो एक्सपेक्टेड ही है कि हाँ, इतना होना ही है। तो जो है, उसका करना पड़ता है आई एफ आर एस नाइन के अंदर उसके अलावा स्ट्रेस टेस्टिंग बैंक को अपने लोन बुक को स्ट्रेस में डालना होता है कि स्ट्रेस सिनेरियो में बहुत ज्यादा डिफॉल्ट बढ़ जाएंगे स्ट्रेस सिनेरियो में इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगा राइट right? तो उस केस में कैसे उनका लोन बुक टर्न अराउंड होगा एंड क्या उनके पास सफिशियंट कैपिटल है टू हैंडल दैट स्ट्रेस सिनेरियो ऑल आर पार्ट पार्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग नाउ अगर आप में में भी डिस्कशन करोगे part two में, ये सारी चीजें डिस्कस्ड नहीं है नो no डाउट मैंने ओरिएंटेशन सेशन लेके सब चीजें डिस्कस करने की कोशिश की है बट मुझे कही कहीं ना कहीं एग्जाम तक लिमिटेड रहना होता है राइट एफ आर एम में पार्ट टू में कॉर्पोरेट बैंकिंग पे फोकस है रिटेल बैंकिंग पे फोकस ही नहीं है मतलब हाउसिंग लोन वगैरह पे फोकस नहीं है एंड इंडिया में वो बहुत बड़ी बुक्स है राइट right? तो एच डी एफ सी हो गया आईसीआईसीआई हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया उसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए ये सारे के सारे क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग में घुसे हुए हैं बट उनके पास राइट यू कैन से टैलेंट ही नहीं है बिकॉज लोगों को ये स्किल पता ही नहीं है पहली बात तो एक्वायर तो बहुत दूर की बात है राइट right? तो क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग इज वन इंपॉर्टेंट स्किल जो आप पक्का से ध्यान में रखना आपको कोई कोर्स करना है तो आप कोर्सेज देख सकते हो यूल पे आपको कोई कोर्स मेरे से नहीं करना आप कहीं से भी करिए बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्किल जहां पर यू कैन से ह्यूज गैप इज देयर मतलब डिमांड तो है बट सप्लाई है ही नहीं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है मैंने आप सबको एक इंटरव्यू शेयर किया था शिक्षा जैन का उसको भी क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल के अंदर ही जॉब मिली है ठीक है ई वैल्यू सर्व में तो क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल इज अ वेरी वेरी यू कैन से लुक्रीशियस प्रोफाइल क्योंकि कंसल्टिंग uh, वाले कंपनीज बहुत ज्यादा हायर करते हैं क्रेडिट रिस्क में एंड इतना वास्ट स्पेस है ना कि अगर आप ये करके जाओगे तो आपको किसी ना किसी स्पेस में तो इस पूरे लैंडस्केप में जॉब मिली जाएगा आइदर इन स्कोर कार्ड और बाजल और आई एफ आर एस नाइन और स्ट्रेस टेस्टिंग राइट तो दिस इज योर क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग उसके अलावा अगर आपको स्टॉक मार्केट्स में जाने का मन है ठीक है स्टॉक मार्केट कंपल्सरी नहीं है बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टॉक मार्केट करना चाहिए बिकॉज एज अ फाइनेंस स्टूडेंट स्टॉक मार्केट इज मस्ट उससे आपका दिमाग भी खुलता है सेकेंडली आप सेकेंड इनकम जनरेट कर सकते हो बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप टेक्निकल एनालिसिस कर लिए तो आप महान बन जाओगे वैसा कुछ नहीं होता ठीक है बट स्टॉक मार्केट अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे इट्स अ लाइफ लॉन्ग एसेट अल्टीमेटली वेल्थ को मैनेज करना है ना अपना तो लाइफ लॉन्ग एसेट है आपके लिए तो टेक्निकल एनालिसिस इज पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्सिस वो भी आप कर सकते हो वो भी यूलन पे अवेलेबल है इनफैक्ट मेरा एक कल फ्री सेमिनार है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आप उसको भी सुन सकते हो उससे आपको आइडिया लग जाएगा चार्ट को कैसे देखते हैं राइट right? ये दो स्किल्स हैं जो आप एक्वायर कर सकते हो इमीजिएटली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके अलावा आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा एक्सेल पूरा चेंज हो चुका है राइट लास्ट एक्सेल में अपडेशन कब आया था 2007 में उसके बाद अब मेजर अपडेशन आना शुरू हुआ है 2020 से 2020 से एक्सेल में क्या हुआ है एरेज आ गए हैं राइट तो पूरा एक्सेल का यू कैन से ही चेंज हो गया राइट पहले हमें कोई भी फंक्शन लिखना होता था यूजर डिफाइंड तो हम लोग वीबीए को यूज करते थे कोडिंग को यूज करते थे एक्सेल के लिए अब एक्सेल खुद ही प्रोग्रामिंग की तरफ चला गया राइट इतना उसने अपने आप को एडवांस कर लिया है बट आज भी ना कोई कोर्सेज अवेलेबल है इसके ऊपर ना यूट्यूब में आपको स्ट्रक्चर कहीं कंटेंट मिलेगा उसका रीजन ये है कि अभी इतना ज्यादा ये यू कैन से यूज होना शुरू नहीं हुआ बट मुझे लगता है बाई टू थाउजेंड ये पूरी तरह से ऑफिस में यूज होना शुरू हो जाएगा दिस इज स्किल टू एक्वायर न्यू एज कोर्स अगर आपको करना है न्यू एज एक्सल का ये नाम मैंने दिया है इसका नाम एक्चुअल में डायनेमिक एरेज है अगर ये स्किल आपको एक्वायर करना है तो आपको पुराने वाला एक्सेल सीख के आना होगा जो मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है राइट उसके बिना आप न्यू एज एक्सल नहीं सीख सकते बिकॉज ये एडिशन में है ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है यू कैन से उस पुराने को बहुत अच्छे से रिफाइन कर दिया है और बहुत एडवांस कर दिया राइट right? तो न्यू एज एक्सेल ये तो सीखना ही चाहिए इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि या 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 तो तो कर लो टेक्निकल एनालिसिस एक्सेल एक्सेल आना ही चाहिए अगर एज अ फाइनेंस एंड एनालिटिक्स स्टूडेंट आपको एक्सेल नहीं आता होगा तो किसको आना चाहिए एक्सेल राइट right? और न्यू वाला एक्सेल आना चाहिए खाली पुराना वाला एक्सेल क्यों पुराना वाला एक्सेल करके आओ उसके बाद न्यू एक्सेल भी सीखो बिकॉज उसमें बहुत सारी नई चीजें हैं आपको पूरा अपडेटेड रहना चाहिए इंडस्ट्री के हिसाब से राइट सो दीज आर द यू कैन से स्किल्स दैट यू शुड यू मस्ट एक्वायर वन इज क्रेट रिस्क मॉडलिंग राइट टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शनल है अगर आपको स्टॉक मार्केट्स में जाने का मन है बट न्यू एज एक्सेल इसको प्लीज एक्सप्लोर करना आपको कोर्स अभी नहीं करना तो यूट्यूब में वीडियोस देखना शुरू करो बट एक्सेल को देखना स्टार्ट करो जो एक्सेल में चेंजेस आए हैं जो एक्सेल 360 सिक्सटी आया ना उसमें बहुत सारी चीजें न्यू है और बहुत ही सुपर चीजें हैं राइट तो उसको अपने को लर्न करना ही है, अगर अपने को अप टू डेट रहना है एज पर द इंडस्ट्री किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट एनी डाउट कोई डाउट है किसी को ये सारे कोर्सेज का डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट यूलन यूलन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो सारे कोर्सेज वहां पे लिस्टेड है राइट आगे चलते हैं स्किल बेस्ड कोर्सेज के अलावा मैंने क्या बोला कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो ठीक है अब इंटर्नशिप कैसे मिलती है मेरे हिसाब से इंटर्नशिप आपको बुटीक फर्म्स में करनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक में ट्राई करोगे तो आपको इजिली इंटर्नशिप नहीं मिलेगी वहां पर सीधा रिस्क के बाद जॉब ही मिलती है इंटर्नशिप की ऑपरचुनिटीज बहुत कम रहती है राइट तो बुटीक फर्म्स मतलब जो मिड साइज फर्म्स होती है ना फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स में उसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हो अगर आपको मिलती है वो तो बेस्ट है अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है नहीं मिलती है तो मैं भी एक इंटर्नशिप ऑफर कर रहा हूं आई एम ऑफरिंग वर्चुअल इंटर्नशिप इन क्वान्टिटेटिव मॉडलिंग दैट इज जस्ट टू योर सीवी नाउ लास्ट ईयर मैंने इंटर्नशिप ऑफर किया था एंड दैट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट राइट कि हम लोग ट्रेन करेंगे लोगों को एंड लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे बट एक्चुअल में इफ यू से सेट फ्लॉप लोग भी सीरियस नहीं होते एंड अल्टीमेटली मैं भी सीरियस नहीं हो पाया बिकॉज स्टूडेंट्स वर नॉट सीरियस तो हमने इंटर्नशिप चार्जेबल रखी है पहली बार आपने सुना होगा बट दिस इज अ इंटर्नशिप जिसमें आप क्वांटिटेटिव मॉडलिंग सीखोगे एंड यू विल डू सम समेक्ट वो प्रोजेक्ट्स को आप सीवी में मैंशन कर सकते हो राइट तो मैं एक इंटर्नशिप ऑफर कर रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जून 1.5 मंथ्स का इंटर्नशिप है इसका डिटेल्स भी आपका यूलन पे अवेलेबल है चार्जेबल इंटर्नशिप है सिक्स थाउजेंड रुपीज उसका फीस है इसमें आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लर्न करोगे पार्ट वन से रिलेटेड जैसे कि रिग्रेशन हो गया टाइम सीरीज हो गया कार्लो सिमुलेशन हो गया कॉपीला हो गया बट यहाँ पे थ्यूरी नहीं है पूरा का पूरा एक्सेल स्प्रेडशीट में आपको एंड टू एंड मॉडल पे काम करना है राइट एंड टू एंड मॉडल पे काम करना है उसके अलावा मैं आपको पांच के स्टडीज देने वाला हूं इस कोर्स में वो पांच केस स्टडीज आप सॉल्व करेंगे राइट वो सॉल्व करके उसके ऊपर लाइव डिस्कशन में लूंगा राइट सो दे उसको आप सॉल्व करोगे उसके ऊपर मैं सेशन लूंगा तो होगा क्या पहले आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लर्न करनी है उसके लिए आपको कॉम्प्रीहेंसिव लेक्चर्स दिए जाएंगे अराउंड ट्वेंटी आवर्स के वो आप कंप्लीट करोगे तो आपको सारी टेक्निक्स प्रैक्टिकली आ जाएंगी आपको बड़े बड़े

डेढ़ से दो घंटा निकाल सकते हो तभी कीजिएगा अदरवाइज इसमें कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि आप लेके रख लिए बाद में कर लोगे वो सब नहीं है वो सब मैं नहीं ऑफर करना चाहता बिकॉज इंटर्नशिप इज अग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई साइड मैं जो भी चीज एज इंटर्नशिप दूंगा ना बाद में आप उसको तो सीवी में लिखोगे एंड आपका इंप्लॉयर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है टू कंसल्ट विद मी की याद की क्या ये पर्सन ने इंटर्नशिप किया है कि नहीं किया है राइट right. जैसे शिक्षा जैन मेरे साथ इंटर्नशिप की थी तो कल क्या -क्या right. तो अगर कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो बाद में प्रूफ चेक करेगी तो वहां पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पिक्स टू टेल्स कंसल्टिंग है कि हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे कि यस आपने इंटर्नशिप किया है एंड दीज आर द प्रूफ्स राइट right? तो आपको ये सारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को लर्न करना है वैसे आप वर्चुअली कर पाएंगे ऑल ओवर इंडिया राइट प्रोजेक्ट्स जो आपको दिए जाएंगे पांच वो आपको कंप्लीट करने है पोर्टल पे अपलोड करने हैं उसके बाद एक वर्चुअल इंटर्नशिप टेस्ट भी होगा ये पांच प्रोजेक्ट्स करने के बाद वर्चुअल इंटर्नशिप टेस्ट भी होगा उसके बाद आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन हम लोग सबको देंगे जिनका होगा उन्हीं को देंगे।, को देंगे. And ये जो सारे case studies आप करोगे इसको आप सीवी में डिटेल में करोगे, कैसे mention करना है वो मैं भी बताऊंगा बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जैसी एक पॉइंट इंटर्नशिप का आता है ना सीवी के अंदर सीवी निखर जाता है पूरा राइट बिकॉज यू कैन शो ना पार्ट वन में आपने क्या पढ़ा है प्रैक्टिकली आपने रिग्रेशन पढ़ा है टाइम सीरीज पढ़ा है सिम्युलेन पढ़ा है कॉपीला पढ़ा है तो आप उसको प्रैक्टिकली शो तो करो तो अगर आप वो पूरे मॉडल को शोकेस करते हो और वो आप बनाओगे क्लास में तो बनाओगे तो आप उसको बाद में इम्प्लॉयर को शोकेस भी कर सकते हो राइट right? तो आप इंटर्नशिप का मेंशन अपने सीवी में कर पाओगे एंड बाद में इफ इम्प्लॉयर कंसल्ट्स माय ऑर्गेनाइजेशन पीक्स टू टेल्स कंसल्टिंग अगर वो हमें कंसल्ट करते हैं हम डेफिनेटली उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे कि यस दिस स्टूडेंट हैज डन इंटर्नशिप विद अस

फिफ्टीन जुलाई की जगह थर्टी जुलाई को आपको प्रोजेक्ट सबमिट करके दे द आंसर इज नो तब हम आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं दे पाएंगे मेरे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमेशा स्ट्रिक्ट होते हैं हम लोग वैसे नहीं है कि पैसा ले लिया तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दिया बिकॉज एज आई सेड इसमें मेरा कंपनी का रेप्यूटेशन स्टेक पे है यूलन का रेप्युटेशन स्टेक पे है तो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स ऑथेंटिक ही दिए जाएंगे उसमें कोई आपका आ, लीवर नहीं है राइट right? आगे चलते हैं उसके अलावा एड ऑन सर्टिफिकेशन अगर आपको कुछ करने हैं ये वर्चुअल इंटर्नशिप का पार्ट हुआ कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकल कोर्सेस का बता दिया ठीक है उसके अलावा अगर आपको कोई एड ऑन सर्टिफिकेशन करना है रिस्क और एनालिटिक्स में देखो अगर आपको फाइनेंस में ग्रो करना है आपको सी करना ही चाहिए ठीक है अगर आपको रिस्क एंड एनालिटिक्स में कोई और सर्टिफिकेशन एड करना है तो दो सर्टिफिकेशन है वन इज एफ एंड वन इज एस सी आर एफ डी पी इज बेसिकली डेटा साइंस का सर्टिफिकेशन मशीन लर्निंग के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है यूडेमी पे अवेलेबल है कोर्सेरा पे अवेलेबल है अन अकेडमी पे अवेलेबल है इतने सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं आई एम प्रोवाइड कर रहे हैं आई आई प्रोवाइड कर रहे हैं बट एफ क्यों एफ इसलिए बिकॉज जितने भी लोग मशीन लर्निंग करवा रहे हैं वो फाइनेंस ओरियंटेड नहीं है अरे मैं चार्ट बोर्ड कैसे बनाते हैं उसको सीख के क्या करूंगा बट जब मुझे उसमें आगे काम ही नहीं मिलेगा तो मुझे ये सीखना है इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ट्रेडिंग में कैसे मशीन लर्निंग यूज होता है राइट सो एफडीपी इज अटिफिकेशन विच है सीए आई ए का आपने नाम सुना होगा जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का एग्जाम कंडक्ट करते थे राइट right? तो उनका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का एग्जाम तो बहुत फेमस है ही उन्होंने एक सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया एफडीपी फाइनेंस डेटा प्रोफेशनल नाउ दिस इज अ मशीन लर्निंग कोर्स लाइक एनी अदर कोर्स बट ओरिएंटेड टूवर्ड्स फाइनेंस तो इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की केस स्टडीज है इसमें क्रेडिट रिस्क की केस स्टडीज है इसमें एल्गो ट्रेडिंग की केस स्टडीज है पूरा फाइनेंस ओरिएंटेड है ना कि जनरल मशीन लर्निंग राइट और दूसरा आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा मार्केट में आजकल बहुत सारी जॉब्स uh, निकल रही है क्लाइमेट रिस्क मॉडलिंग के ऊपर क्लाइमेट रिस्क मॉडलिंग के ऊपर राइट टू में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ फिर अभी कोविड क्राइसिस हुआ अब पूरी इंडस्ट्री को ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा नेक्स्ट क्राइसिस होने वाला है ना वो होने वाला है क्लाइमेट कि क्राइसिस। हो कि अच्छा हो किसी होटल right? अगर कल को क्लाइमेट खराब होगा सुनामीज वगैरह आएंगे तो वो सारे जो बीच साइड होटल है उसमें लोग जाना बंद कर देंगे सो कैश फ्लोज विल ड्रॉप डाउन ड्रास्टिकली कैश फ्लोज उस तरह के होटल के ड्रॉप करेंगे तो जो बैंक ने उनको लोन प्रोवाइड किया हुआ है वो लोन्स पे डिफॉल्ट होंगे वो लोन्स पे अगर डिफॉल्ट होंगे तो बैंक को रिस्क है ना तो वही क्लाइमेट रिस्क का बात कर रहे हैं राइट right? या दूसरा एग्जांपल ले लो आपने किसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को लोन दिया हुआ है उसको ट्रांजिट करना है फ्रॉम पेट्रोल कार्स टू ईवी कार्स वो नहीं करता है तो उस केस में फ्यूचर में गवर्नमेंट पक्का से कार्बन टैक्सेस लगाएगी आपके ऊपर बिकॉज सब लोग क्लाइमेट फ्रेंडली होने का बात कर रहे हैं सब लोग बोल रहे हैं कि आप

लोन्स पे डिफॉल्ट होने का डर है तो ये सारा किसका पार्ट है क्लाइमेट रिस्क मॉडलिंग का राइट right? तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन गार्प ने स्टार्ट की थी लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर दैट इज सस्टेनेबल क्लाइमेट रिस्क आप लिंकिन पे जाके सर्च करना बहुत ही बडिंग फील्ड है अभी ऐसा नहीं कि बहुत हल्ला चिल्ली है बट यस yes, अगले पांच सालों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फील्ड क्लाइमेट रिस्क राइट और मैं हमेशा से मानता हूं कि इंडस्ट्री खासकर फाइनेंस इंडस्ट्री चलती है के बेसिस पे. अगर आप हो, तो आपको एक आज दस लोग पढ़ा रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे एडिड एडवांटेज मिला है उसके कारण बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट मूवर तो ये दोनों फील्ड जो है उसमें अगर आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए तो आपको आज वो सर्टिफिकेशंस को कर लेना चाहिए FDP, which is Finance Data Professional by CAIA, and secondly Sustainable Climate Risk, which is offered by GARP. Right? दोनों के दोनों institutions credible है CAIA आई ए भी क्रेडिबल है और गार्थ तो आपको पता ही है ठीक है दोनों में श्वेजर आ चुका है इतना क्रेडिबिलिटी है इन का कि श्वेजर की बुक्स आती है सस्टेनेबल क्लाइमेट रिस्क की भी और एफडीपी की भी राइट right? एंड मैंने भी इन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट की है एफडीपी की तो हमने लास्ट ईयर ही स्टार्ट कर दी थी द कोर्स इज रनिंग बिकॉज मेरे को तो हमेशा से अपडेटेड रहने का मन होता है एंड मैं अपडेटेड ही रहूंगा आज भी और फ्यूचर में भी राइट तो वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग टू टीच एफ डी पी एज वेल एज सस्टेनेबल क्लाइमेट रिस्क राइट तो अगर आप एफ का बात करोगे तो कितने सारे मशीन लर्निंग एलगोरिदम आपका रिग्रेशन हो गया क्लासिफिकेशन हो गया क्लस्टरिंग हो गया डायमेंशन रिडक्शन हो गया एनॉमली डिटेक्शन हो गया री एनफोर्समेंट लर्निंग डीप लर्निंग टेक्सट माइनिंग टाइम सीरीज मॉडलिंग ये सब है और सब जगह आ रहा है एनालिटिक्स इज कमिंग इन एवरीथिंग रिस्क में भी आ रहा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी आ रहा है ठीक है एल्गो ट्रेडिंग जो है वो भी आपका क्या है मशीन लर्निंग है तो ये सारा मशीन लर्निंग बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है इन एफ कोर्स उसी को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं ऑलरेडी कर रहे हैं ठीक है द कोर्स इज ऑलरेडी रनिंग एंड हमारा तो सुपर सेट है बिकॉज हम लोग पाइथन भी कवर कर रहे हैं एफ डी पी में एज एन एग्जाम तो पाइथन कवर नहीं है बट वी आर कवरिंग पाइथन एज वेल राइट एंड सस्टेनेबल क्लाइमेट रिस्क वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्थ ऑफ जून अराउंड फिफ्टी आवर्स का प्लान है शुरू में एंड इससे आप गार्ब का एग्जाम ले पाएंगे मैं खुद गार्प का एग्जाम भरा हूं सस्टेनेबल क्लाइमेट रिस्क का तो हम लोग साथ में बैठेंगे एग्जाम में राइट तो दिस इज अल्टीमेटली मॉडल्स आपके सारे वही है जो आप एफ आर एम में बढ़ते हो बट क्लाइमेट डेटा पे कैसे अप्लाई करते हैं वो सारा डिस्कशन आपका न्यू है में. Right? उसके आपको एफ आर एम पार्ट टू तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए नाव यूलन में एक ऑफरिंग है एफ आर एम पार्ट टू प्रोविजनल की बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मैं एफ आर एम पार्ट टू लेके बैठ जाऊं और कल को पास नहीं हुआ तो क्या होगा तो हम लोग एक प्रोविजनल कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप लिक्विडिटी रिस्क से स्टार्ट कर सकते हो लिक्विडिटी रिस्क से या क्रेडिट रिस्क से दोनों में से आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो आपको एक कोर्स लेना है और आपको फीस भी एक कोर्स का पे करना है लिक्विडिटी रिस्क या क्रेडिट रिस्क राइट तो आप प्रोविजनल स्टार्ट कर दोगे आपके छह टॉपिक है एफ पार्ट टू में आपको एक टॉपिक से स्टार्ट करना है या तो लिक्विडिटी रिस्क या क्रेडिट रिस्क एंड साइमल्टेनियसली अपने स्किल सेट पे काम करो अगर आप पूरी तरह से फ्री हो तो मैं नहीं मानता कि आपको खाली एफ पार्ट टू करना चाहिए बिकॉज जो मेच्योरिटी चाहिए था वो आ चुका है पार्ट वन देने के बाद आपको अपने स्किल सेट पे काम करना ही चाहिए राइट तो एफ पार्ट टू का कोई एक टॉपिक स्टार्ट कर दो इन द मीन टाइम पार्ट वन के रिजल्ट आ जाएंगे तो बाकी टॉपिक्स भी स्टार्ट कर देना पास हो गए तो पास नहीं हुए तो आपको कॉल लेना है कि आपको दोनों पार्ट्स देने चाहिए या आपको एक पार्ट ही देना है तो अगर एक पार्ट देना है तो उस केस में आपका जो एफ का कोर्स है वो हम बंद कर देंगे and you can get it restarted later on. आपको उसके लिए अलग से पे नहीं करना होगा कुछ भी ठीक है आप बाद में उसको रिस्टार्ट करवा सकते हैं जो आपने पेमेंट किया है वही आपका पेमेंट है आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करना ठीक है और अगर आप पास कर जाते हैं तब तो आप बाकी टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे ठीक है और फिर उसके बाद आपको एफ आर एम पार्ट टू नवंबर में अपियर करना ही चाहिए पार्ट वन की मेच्योरिटी के बाद पार्ट टू जनरली लोग चार महीने में कर लेते हैं बट यहां से छह महीने तो डेफिनेटली हो सकता है उसमें कोई डाउट ही नहीं है चाहे आप प्लस टू के बैकग्राउंड से स्टार्ट किए थे चाहे आप वर्किंग है है मेरे ख्याल से महीने में पार्ट डूएबल राइट मैं खासकर उन लोगों के लिए भी बोल रहा जिनको लगता है कि हमारा बैकग्राउंड नहीं था बैकग्राउंड नहीं था पार्ट वन के टाइम पे आज तो बैकग्राउंड ऑलरेडी है राइट right? तो आप सब लोग एफ पार्ट टू दे सकते हो बिकॉज जॉब में जाओ जल्दी जल्दी जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना वैल्यू है जितना डिले करोगे उतना खराब है सिर्फ पढ़ाई के लिए इतना तो डिले करने का मतलब ही नहीं है बिकॉज मैं बोल रहा हूँ पार्ट टू हो जाएगा अगर अभी स्टार्ट करोगे तो राइट right? तो आप एफ आर एम पार्ट टू प्रोविजनल भी स्टार्ट कर सकते हो इसका डिटेल्स भी यूलन पे अवेलेबल है अब कुछ क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को मैं लेना शुरू करूंगा इंटर्नशिप कब से स्टार्ट होने वाला है इंटर्नशिप स्टार्ट होगा फर्स्ट ऑफ जून से फर्स्ट ऑफ जून से आपको ट्वेंटी आवर्स के लेक्चर्स दिए जाएंगे वो आपको कंप्लीट करने है वन पॉइंट में आपको पांच केस स्टडीज दी जाएंगी और बड़ी बड़ी केस स्टडीज है वो आपको सॉल्व करनी है पोर्टल पे अपलोड करनी है उसको हम चेक करेंगे उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम लोग करवाएंगे ठीक है और उसके बाद आपको एक टेस्ट भी पास करना है फिफ्टी क्वेश्चन का उसके बाद आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा आप बाकायदा उसको सीवी में लिख सकते हैं लेटमी शो यू एन एग्जाम्पल ठीक है मैंने यहाँ पे शिक्षा जैन का सीवी खोला हुआ है मैंने आप सबको भेजा भी था ये क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ कुछ ही लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड की थी बट इस बार हम लोग वर्चुअल लेवल पे सबको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं पूरा मॉडलिंग का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है इंटर्नशिप में क्या क्या किया है राइट जो जो चीजें सीखी है वो सारा आप डिटेल में लिख सकते हो वर्क एक्स में इंटर्नशिप डाल के उसके अलावा आप जो एफ में पढ़ते हो एंड जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि आप प्रैक्टिकली कुछ कुछ चीजें सीखे हो रिग्रेशन हो गया टाइम सीरीज हो गया वार हो गया उसको आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डाल के लिखिए ना लोग ये सब लिखते ही नहीं है लोग फालतू की चीजें लिख रहे हैं कि मैंने इस इंटरेस्टेड कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था अरे इंप्लॉयर को क्या मतलब है कि आपको चेस खेलना आता है नो no डाउट उसको आप डालना चाहते हो साइड में डाल दो बट दैट इज नॉट द कोर स्किल जिससे इम्प्लॉयर को मतलब हो तो वो कोई कोर स्किल नहीं है आपका तो आपको कोर स्किल्स को मेंशन करना है और आप इंटर्नशिप को मेंशन कर पाओगे यहाँ पे आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है यहाँ पे आपका कोर कम्पिटेंसीज है यहाँ पे आपके कुछ फ्यूचर प्लान अगर है एफ वगैरह वो आप मेंशन कर सकते हो

प्लस फिफ्टीन लैक्स का फ्रेशर का पैकेज बोल रहा हूं खाली एफ करके वो सारे स्किल के बेसिस पे लगे हैं राइट बिकॉज रिस्क साइड में बहुत सारा यू कैन से डिमांड खुल गया है बट सप्लाई अभी भी नहीं है बिकॉज अभी भी घर घर में एफ नहीं है कोई आपकी कम्युनिटी में भी कोई एफआरएम नहीं होगा राइट right? तो साथ में अपने स्किल सेट पे काम कीजिए इंटर्नशिप को सीवी में मेंशन कीजिए स्किल्स को मेंशन कीजिए और क्या क्या आपने एफआरएम में सीखा उसको भी पॉइंटर की तरह डालिए और अपने फ्यूचर प्लान को डालिए अपने इंटरेस्ट को ठीक से डालिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है वो दिखना चाहिए कि वो फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है आप पूरी पूरी तरह से फाइनेंस में डूबे हुए वो आपका दिखना चाहिए सीवी के अंदर वैसा अगर दिखेगा आई कैन गारंटी अगर आपके पास थोड़ा सा भी अच्छा स्किल है ना मैं गारंटी बोल रहा हूं आपको प्लस टेन लैक्स का पैकेज तो स्टार्टिंग मिलेगा मिलेगा और ये मैं गारंटी दो साल पहले नहीं देता था बट जिस तरह से मैं अभी देख रहा हूं स्टूडेंट्स की जॉब लग रही है आई कैन गारंटी ऑल्सो की प्लस टेन लैक्स का पैकेज आपका लगेगा ही लगेगा स्टार्टिंग तो मतलब इतना ज्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है पूरे स्पेस में राइट right? तो अच्छे से सीवी को बनाइए सीवी पे काम करना आज से शुरू कीजिए पार्ट टू करने के बाद टाइम नहीं मिलेगा आप सोचेंगे पार्ट टू को एग्जाम दे, दे देंगे उसके बाद सोचेंगे उसके बाद तो जॉब करने का टाइम आ जाएगा ये सारे स्किल्स ड्यूरिंग द स्टडीज ही एक्वायर किए जाते हैं एंड आपको सोचना चाहिए मेरा सीवी खाली तो नहीं है मुझे यहाँ क्या भरना है मुझे वहां क्या भरना है एक एक चीज आपका दिखना चाहिए कि आप आप पूरी तरह से रिस्क और फाइनेंस में डूबे हुए हो फिर आप देखना उसके बाद अगर आपको जॉब नहीं मिली तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी राइट right, मैं तो बोल ही रहा हूं जो लास्ट बैच हुआ है उसमें प्लस 15 लाख तीन स्टूडेंट्स के जॉब लगी है एज अ फ्रेशर बोल रहा हूं बीकॉम करने के बाद सिर्फ कोई बाकी सर्टिफिकेशन नहीं किया हुआ कुछ नहीं किया हुआ सिर्फ एफ आर एम हा प्रटिकल स्किल्स डेफिनेटली है इंटर्नशिप डेफिनेटली है राइट right? वो आपको एक्वायर करना ही चाहिए सो लेट मी कम टू क्वेश्चन नाउ मैं ड्रैग नहीं करूंगा अननेसेसरी